भगवान राम के बारे में तो आपने काफी पढ़ा और सुना होगा, लेकिन देवी सीता के बारे में कई ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जो कम लोग ही जानते हैं। आइए देखते हैं कि देवी सीता के बारे में कितना जानते हैं आप लोग। रामचरितमानस में सीता शब्द का जिक्र कुल 147 बार आया है। सीता विवाह के बारे में वाल्मीकि रामायण में जिक्र आया है कि इनका विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था और वह 18 वर्ष की उम्र में ही भगवान राम के साथ वनवास को चली गई थी। रावण द्वारा देवी सीता हरण किए जाने के बाद देवी सीता ने कुल 435 दिनों तक लंका में निवास किया था। लंका से लौटकर जब देवी सीता अयोध्या आई तब 33 वर्ष की उम्र में महारानी बनी। जब तक देवी सीता लंका में रही उन दिनों तक देवी सीता का वास्तविक रूप अग्नि देवता के पास रहा। रावण के पास जो सीता थी वह सीता की प्रतिछाया थी। विवाह के बाद देवी सीता अयोध्या से लौटकर कभी अपने मायके जनकपुरी नहीं गई। भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे तो सीता के पिता जनक ने देवी सीता को जनकपुर ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी सीता ने जाने से मना कर दिया। जब देवी सीता ने वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया, उस रात उनके सबसे छोटे देवर शत्रुघ्न उस आश्रम में मौजूद थे। कारण था कि मधु नामक दैत्य का वध करने के लिए शत्रुघ्न सुंदर नगरी जा रहे थे। मार्ग में रात बिताने के लिए उन्हें वाल्मीकि आश्रम में ठहरना पड़ा। इस घटना का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आया है। भगवान राम ने सरयू में जल समाधि लेकर देह त्याग दिया था, लेकिन देवी सीता शह शरीर ही परलोक चली गई थी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।